गाइस वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड फ्रेम, फ्रेम के अंदर फ्रेम बनाना। ठीक, जिसने मेरे फ्रेम का लास्ट वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर किया हुआ है, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेस्टेड फ्रेम की। जैसे अगर इस पर्टिकुलर रो को हम देखें तो ये देखिए इसमें कितनी रो है, तीन रो है, 1 2 3। ठीक, और इसमें सेकेंड रो को दो कॉलम में डिवाइड किया गया है। इसे कहते हैं फ्रेम के अंदर फ्रेम बनाना। अभी तक हमने जो फ्रेम बनाए थे वो नॉर्मल फ्रेम थे, यानी कि या तो वो रोज थे यानी कि हॉरिजॉन्टल, या फिर कॉलम्स थे यानी कि वर्टिकल। क्लियर? लेकिन आज हम करेंगे नेस्टेड फ्रेम। तो चलिए हम ये वाला फ्रेम बना के देखते हैं। तो मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो हम रोज बना लेते हैं। ठीक, रोज में यहाँ पर हमने दे दिया 33%। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप रेशियो नहीं भी देना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं स्टार कॉमा स्टार। स्टार कॉमा स्टार का मतलब ये हो गया कि ये पहली बार तो इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर देगा, और स्टार का मतलब ये रिमेनिंग जो भी है यानी कि इक्वल पार्ट में 33% है। अब 33 के बाद जितना भी 100% का रिमेनिंग रह गया वो स्टार स्टार में डिवाइड हो गया। क्लियर? तो 33 33 और लास्ट वाला हो जाएगा 34 में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कुछ पेजेस बना रखे हैं, जैसे कलर के लिए ऑरेंज कलर का बना रखा है, वाइट, और यहाँ पर दिया है मैंने ग्रीन। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए ये हमारा तीन रो हमारी बन गई, तिरंगे का कलर बन गया। वैसे भी आज 26 जनवरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं रिजल्ट को देखूं तो ये देखिए पहले तीन रो बनानी थी, फिर सेकंड रो को दो कॉलम में डिवाइड करना था। क्लियर? तो तीन रो हमने बना ली हैं। अब सेकंड रो यानी कि व्हाइट वाले को हम दो कॉलम में डिवाइड करेंगे वर्टिकल। ठीक, तो जिसको डिवाइड करना है, ये फर्स्ट फ्रेम हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, हमें डिवाइड किसको करना है, इसको। तो जिसको डिवाइड करना है उससे पहले कॉपी करेंगे, फर्स्ट वाला ऐसे एज इट इज रहेगा, सेकंड वाले को हमें कॉलम में डिवाइड करना है, तो पहले कॉल कितने पार्ट में डिवाइड करना है, टू पार्ट में। ठीक, तो स्टार लगा देंगे 33% कॉमा स्टार, यानी कि 33%, बाकी जो भी रिमेनिंग रह गया है। ठीक है, अगर आपको साइज नहीं देना है तो आप स्टार भी लगा सकते हैं, और उसके बाद अपने फ्रेम से टैग को क्लोज कर देंगे। अब देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए कॉलम में अब कितने हैं, फ्रेम हमारे दो, तो यहाँ पर हमारे फ्रेम कितने आएंगे, फ्रेम की फाइलें कितनी आएंगी, दो फाइलें आएंगी। क्लियर? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने फिर से एक बार शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हमने रोज यानी कि एक फ्रेम को तीन रो में डिवाइड किया, तो फर्स्ट, और फिर हमने पहले सेकंड किया था, फिर थर्ड। अब सेकंड जो हमारी रो थी उसको यानी कि सेकंड फ्रेम को हमें दो कॉलम में डिवाइड करना था, तो जहां हम पेज का नाम अपने फ्रेम का नाम लिखते हैं वहां पर उससे पहले हमने कॉलम लगा दिया और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। जब दो पार्ट हैं तो दो फ्रेम भी होने चाहिए, सिंपल सी बात है, जितने पार्ट उतने फ्रेम। क्लियर? अगर यहाँ पे हम तीन पार्ट करेंगे तो यहाँ पे तीन फ्रेम टैग आ जाएंगे। चलिए करके एक बार देख लेते हैं। ये देखिए अब आप यहाँ पे पेज दूसरा कॉल कर सकते हैं, मैंने सेम पेज कॉल किया है, पेज है मेरे पास ऑलरेडी, मैंने इस समय मैंने ब्लू दे दिया। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ये देखिए। क्लियर? तो हमारा ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, तीन रो बनाई और सेकेंड रो को हमने क्या किया, दो कॉलम में डिवाइड कर दिया। अब एग्जाम्पल नंबर टू देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए तो तीन कॉलम पहले बनाने हैं, उसके बाद फर्स्ट वाले कॉलम को दो रो में डिवाइड कर देना है। पहले रिजल्ट देखिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए कि कैसे बनाना है। ठीक है, फ्रेम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। ये वाला भी पहले तीन वर्टिकल हम कॉलम बना लेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले कॉलम को दो रो में डिवाइड कर देंगे, सिंपल। चलिए तो पहले तीन कॉलम का मतलब है यहाँ पर COLS, कॉल्स कर लेते हैं। ठीक, और तीन कॉलम, तो इस वाले को हम हटा देते हैं और इस वाले को भी, हम पेज का नाम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार रिजल्ट, ये देखिए। ठीक, तीन कॉलम बन गए, पेज का नाम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। अब रिजल्ट पे आते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम को रो में डिवाइड करना है, ध्यान रखिएगा फर्स्ट वाले को करना है, यानी कि फर्स्ट वाले पेज को इसी को करना है, तो जिसको भी करना होता है उसके ऊपर ही फ्रेम सेट लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक, यानी कि यहां पर हम क्या कर देंगे इसको रोज में डिवाइड, कितने पार्ट में डिवाइड करना था, दो पार्ट में, तो हमने दे दिया 33% कॉमा स्टार, एक स्टार एक कॉमा हट जाएगा और इसको अपना कट करके यहीं पे क्लोज कर देंगे। ठीक, अब दो पार्ट है तो दो फ्रेम सेक्शन आएंगे, तो यहाँ पे कॉपी किया पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अपने फाइल का नाम जो भी देना हो, इसमें नया ब्लू दे दिया, यहाँ ग्रीन है, यहाँ पे व्हाइट दे दिया। ठीक है, ऐसे मैंने एस्टीमेट फाइल बना रखी, कुछ नहीं, बैकग्राउंड कलर है और हेडिंग दी है बस। ठीक, कलर के नाम चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए एक बार आउटपुट से मैच करते हैं, देखिए यही है। बाकी अपने कितने इसको साइज इतना कितना रखना है वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिसाइजेबल होता है बाय डिफॉल्ट। अभी इसके एट्रीब्यूट पे भी काम करेंगे, हम इन सबको लॉक कर सकते हैं। अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फ्रेम भी रेडी हो गया। ठीक, अब आता है थर्ड फ्रेम। अगर ये एक फ्रेम किसी ने डिजाइन कर लिया तो वो किसी भी तरह का फ्रेम, नेस्टेड फ्रेम बना सकता है। ठीक है, चलिए ये वाला भी करके देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, दो कॉलम है और फर्स्ट कॉलम को दो रो में डिवाइड किया गया और सेकंड कॉलम को तीन रो में डिवाइड किया गया, यानी कि टोटल फाइव फ्रेम्स हो गए। क्लियर, चलिए करके देखते हैं। तो पहले दो कॉलम, तो पहले दो कॉलम का मतलब है हम यहाँ पर देते हैं 50% और स्टार, यानी कि 50-50% के दो कॉलम हमारे बन गए। इसको रिमूव कर दिया, दो पेज हो गए, चेक कर लेते हैं। देखिए दो कॉलम बन गए। अब क्या था, फर्स्ट कॉलम को दो रो में डिवाइड करना, तो फर्स्ट वाले कॉलम को ही डिवाइड करना है। चलिए फर्स्ट वाला कॉलम यानी इसी को क्या करना है, दो रो में डिवाइड करना है, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहीं पर मैंने क्या लगा दिया, रोस, आर ओ डब्ल्यू एस। ठीक, दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसको कट करके और यहाँ पेस्ट कर दिया और दो है तो फाइल फ्रेम भी दो ही आएंगे। नाम यहाँ पे आप चेक चेंज कर दीजिए, ग्रीन दे दिया और यहाँ का इसका परसेंटेज मैंने इसका कर दिया 20%। चेक कर लें एक बार, देखिए फर्स्ट कॉलम को दो रो में डिवाइड कर दिया। अब सेकंड कॉलम को कितने रो में डिवाइड करना है, थ्री रोज में, देख लें एक बार, थ्री रोज में। ठीक, तो सेकंड रो यानी कि सेकंड मतलब ये वाला, राइट, इसको हमें करना है कितने में डिवाइड, थ्री रोज में। ठीक है, कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पेस्ट कर दिया और इस फ्रेम सेट का जो क्लोजिंग है वो फ्रेम टैग के बाद होगा और इसको कितने में करना था, तीन, यानी कि 33 कर लेते हैं, 33 वाला रेशियो रख लेते हैं, 33%। यहाँ पे आप पिक्सल में भी दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर तीन सेक्शन है तो फ्रेम ही तीन ही आएंगे। ठीक, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कलर के नाम, एक दे दिया रेड और एक दे दिया ब्लू। ठीक है, और कौन सा, एक ऑरेंज था, ऑरेंज कर देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। पांच फ्रेम बन गए, ये देखिए पहले दो कॉलम बनाए, फिर फर्स्ट कॉलम को दो रो में डिवाइड कर दिया, फिर सेकंड वाले कॉलम को तीन रो में डिवाइड कर दिया, तो ये आपके फ्रेम बन गए, नेस्टेड फ्रेम, यानी कि फ्रेम के अंदर फ्रेम बनाना, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर रो, जैसा भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेम हो आप इजिली बना सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।